तो झंडू जी, आप अपने बकरे को कहाँ चिराते हो? कौन से बकरे ने? सफेद ने? आके काले ने? ऐसा है तो सफेद वाले का बताओ। उसने मैं पहाड़ी के परले पार चराया करूं। और काले वाले को? उसने भी ओड़े चराया करूं। आप अपने बकरे को रात में कहाँ सुलाते हो? कौन से बकरे ने? सफेद ने? आके काले ने? सफेद वाले को? उसने मैं बैर बगड़ में सुहाया करूं। और काले वाले को? उसने भी ओड़े बैर बगड़ में सुहाया करूं। आप अपनी बकरी को क्या खिलाते हो? कौन से बकरे ने? सफेद ने? काले ने? सफेद वाले को? उसने मैं चने के छिलके का चारा खिलाता हूँ। और काले वाले को? उसने भी वो एक खुआया करूं। अरे पागल के बच्चे, अरे नालायक, जब दोनों को एक ही जगह चराते हो, एक ही जगह सुलाते हो और एक सा खिलाते हो, तो ये काला सफेद क्या लगा रखा है? मैडम जी, बात न्यूज है, जो यो सफेद आला बकरा से ना, यो मेरा से। और काला वाला किसका है? यो भी मेरा है से। अरे ओ मास्टर, अरे तेरी हिम्मत क्यों करोगी मेरे छोरे के मारने की? तू ले वे है दूसरे दिन मेरे छोरे ने रोज पीटन लाग जे है। अरे भाई, ये स्कूल का काम करके नहीं लाता। अच्छा, स्कूल का काम नहीं करके लेंदा? ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, क्लास में भी शरारते करता रहता है। अच्छा, शरारत कौन नहीं करता? शरारत जे बालकपन में नहीं करेगा और बुढ़ा होकर करेगा। मेरे छोरे का हाथ ना ला दिए। भाई, इसको कुछ भी नहीं आता। अच्छा, तन्ने क्या वह लेते यो चाक? ए ले, न्यू बताइयो, मैंने के मना दिया? मेरी तो समझ में नहीं आया ये क्या है। जब यो छोटा सा सवाल तेरी समझ में नहीं आया तो तना आवे के है? बात सुन ले, आज पाछे मेरे छोरे का हाथ ना ला दिए। चौधरी साहब, न्यू तो बता जाइयो है के। बावड़ी पूछ, तने इतना भी नहीं बेरा? यो रोटी पे घंटा दे रखा है। बच्चों बताओ, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? अरे गुंगरू, तन्ने तोड़ा शके? अरे मरवाओगा के, मन्ने कोनी तोड़ा, मन्ने तो देखा भी कोन्या। अरे कमाल हो गया, सारी क्लास में एक भी बालक ने कोन्या बेरा, अक शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बेटा तू बता, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? मैडम जी, मन्ने कोनी तोड़ा, मैं तो कई दिन तक बीमार था। बेशक झंडू मॉनिटर तक पूछ लो। हाँ भाई झंडू, तू बता। हाँ जी मास्टर जी, इसने शिव जी का धनुष कोनी तोड़ा। मन ने पक्का यकीन से यो शिव जी का धनुष सुंडू ने तोड़ा होगा। वो क्लास में सबसे बदमाश बालक से, इसे मारे वो आज स्कूल भी कोनी आया। परसों मेरी तख्ती भी उसने तोड़ी थी। मास्टर जी, आप बालका ने के पढ़ाओ सो? एक भी बालक ने नहीं बेरा, अक शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? मैडम जी जान दो, अभी बालक नादान है, मन लागे शिव जी का धनुष जरूर सुंडू नहीं तोड़ा होगा, वो बहुत शैतान से। चाले हो गए भाई। मास्टर जी, आपने भी कोनी बेरा के शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? मास्टर जी, प्रिंसिपल का ऑफिस कित से? मैडम जी, प्रिंसिपल ने थोड़ी तोड़ा होगा शिव जी का धनुष। मैंने पूछा प्रिंसिपल का ऑफिस कड़े से? वो रहा सामने। प्रिंसिपल साहब, अरे यो के चाल रहे से? क्यों है अडियो मैम? बालका ते पूछा अक शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो बालक कहने लागे के सुंडू ने तोड़ा होगा। और ते और मास्टर भी न्यू बोलिया अक सुंडू ने तोड़ा होगा। कोई बात ना डीओ मैम, माफ कर दो बालक से। मन ने बताओ, वो शिव जी का धनुष कितने रुपया का था? उस धनुष के रुपये मैं दे दूंगा। हैं? घुंगरू तू बता, चांद पर सबसे पहला कदम किसने धरा था?
मैडम जी नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरा? जी दूसरा भी उस समय टेका होगा और वो कुणसा चांद पे बिजो खेलने जा रहा था। झंडू। हाँ जी। न्यू बता, 10 रुपए में आधा किलो गुड़ आवस है तो 6 रुपए में कितना गुड़ आवेगा? जी पाया गुड़, अरे थोड़ा सा बोरा है। घुंगरू तू बता, राम कृष्ण गांधी और बुद्ध में के समानता से? मैडम जी पहले तो बोलने की तमीज सीख ले, किन छे ना। मैडम जी। हाँ न्यू बोल। सारे सरकारी छुट्टी वाले दिन पैदा हुए थे। झंडू। हाँ मैडम जी। बता, नेपोलियन की मृत्यु किस लड़ाई में हुई थी? जी उसकी आखिरी लड़ाई में। घुंगरू खड़े हो, एक स्टोरी सुना। मैडम जी मैं अपने अंदाज में सुना दूं? सुना। मन ने उस दौरे फोन करया, वा सो रही थी। अच्छा। मन ने उस दौरे फोन करया, वा सो रही थी। उसने मेरे दौरे फोन करया, उसने मेरे दौरे फोन करया, उसने मेरे दौरे फोन करया, तो मैं सो रहा था। शिक्षा। जैसी करनी वैसी भरनी। झंडू न्यू बता, यमुना नदी कहाँ बहती है? मैडम जी धरती पे बवे से और नदी छाता पे बवेगी। अरे पागल, नक्शे में बता यमुना नदी कित बवे से। मैडम क्यों मजाक करो सो, जे जमुना नदी कागज के नक्शे पे बवेगी तो नक्शा गल नहीं जाएगा। घुंगरू तू बता, थम हरियाणा आले पढ़ाई पर ध्यान क्यों ना देते? मैडम जी पढ़ाई दो कारण तक करी जा से। कौन कौन से दो कारण? एक तो डरते हैं, दूसरा शौक तो पढ़ाई करी जा से। अच्छा। फालतू के शौक तो हम रखते को न्या, और डरते को न्या किसे शाले के बाप ते भी है। अरे गुंगरू या छोरी बैरी से। तन्ना क्यों कर बेरा भाई? कल मैं इस्ते बोला आई लव यू। फिर या न्यू बोली? कल नए सैंडल खरीद के ले आई छू। ले बे जब ते इस गल्ले शादी हुई है मेरी तो किस्मत बैरन ने ना रोटी बनानी आंदी ना सब्जी बनानी आंदी। क्यों के कमी से रोटी साग में? के कमी से या गद्दा के कान पर की रोटी पकड़ा रखी, एक कान ना तो जली पड़ी एक कान ना तो कच्ची की रोटी से। देखे गणा मत बोले, ये तो तू पड़े भगवान अक्तन मेरे हाथ की रोटी पोई ओढ़ मिलने से अपना थोबड़ा देख तीन रोटियां जो का सह तेरा मुंह। मेरे मुंह की बात करे मेरे पे तो थी दुनिया लट्टू, और जब तक तेरे गल्ला ब्याह होया है मैं तो बन के रह गया टट्टू। तो सह टट्टू। रहन दे बेकार खानदान की। ये कहा बेकार खानदान की? हाँ मेरे खानदान के बारे में कुछ नहीं कह देगा। देखे मैं इसे उसे घर की नास हूँ, मेरे माँ बाप ने सब कुछ सिखा रखा से। हाँ मैं जानू हूँ तेरे माँ बाप ने जो सिखा रखा है तेरे ते। तेरे खानदान के बारे में बताऊं? तेरे पड़ोसियों ने सब कुछ बता रखा है मेरे ते। ला तेरी पोल खोलूं? तू किसे खानदान का से? तू के पोल खोलेगी? और मने कोई पड़ोसी ब्याह में बुलाया ही नहीं, किसे पड़ोसी ने देख के मैं राजी है कोनी, और कौन सा है वो पड़ोसी जिसने मेरी पोल खोल दी? और खोल दी होगी तो मैं बंद कर लूंगा। बता बता बताऊं तेरी गुड़चड़ी पे के होया था? बता। तेरी गुड़चड़ी पे तेरे यार दोस्त ना चला गए थे और गाना बेरा कौन सा बाज रहा था? कौन सा? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बिल्कुल ठीक बात है, और यार की शादी है यार तो नाचे कर रहे हैं। आगे बेरा से क्यों होया? फिर आई तेरी बेबे बाजी अरनु बोली हटलो रे छोरो मेरे भाई का ब्यास है और मैं भी नाचूंगी और गाना यो बाजन दो। कौन सा? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। मेरी बहन की मटक मटक के नाचे थी। आहो बेबे।
अरनू बता, जे भाई का ब्याह में बेबे नहीं नाचेगी तो और कौन नाचेगा? न्यू बता इसमें के गलत बात है? आगे की तो सुन ले बाण के भाई। हां सुना दे। फिर आई तेरी बुआ बाजी, नू बोली अटलो रे सारे जनो, मेरे भतीजे का ब्याह है, मैं भी नाचूंगी और गाना यो बाजन दो। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ बुआ जमा ललकारे थी, वायरल श्री देवी ते भी अंडी है जमाने, एक एक क्विंटल के डूंगे मारे थी। ओ मेरी बुआ आगे सुन ले बुआ के भतीजे। हाँ बता। और फिर आई तेरी माँ तक न ठाए, अरनू बोली अट जाओ रे सारे, आज मेरे बेटे का ब्याह है, मैं भी नाचूंगी और नाचू नाचू नी गाना भी मैं अपने गाऊंगी और यो ये गाऊंगी। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। न्यू बता फिर इसमें गलत बात कौन सी है? बेटे के ब्याह में माँ तो नाचेगी। ओए होए मेरी मम्मी। ये क्या? तन्ने तुझी को मैं तो अपनी मम्मी की बात करूँ था। क्या बढ़िया ब्रेक डांस करया था, क्या बढ़िया खानदान है मारा, मारा एक क्लास से क्या, मेरी माँ भी नाची, मेरी बुआ भी नाची, आये ना मेरी बेटे भी नाची, देखा मारा खानदानी परिवार है। बहुत बढ़िया खानदान सारा था, बहुत बढ़िया खानदान। तू अपने यारा का भी यार, तू अपनी माँ का भी यार, और तू अपनी बुआ का भी यार, और सुन ले तू अपनी बेबे का भी यार। फलतना बल्ला। हाँ और मुरड़ती थी तने के बेरा बोली पूछ, मन्ने तो उसे टाइम कैसे तोड़ती थी। कैसे तोड़ती थी? आगे की तो सुन ले, आगे के होया था। फालतू ना बोल ले रे मांजा भक्तनी, ना सारी मारी पोल खोल ले। के कता तू मारे खानदान के बारे में? अरे बता का सुन ले और के के होया था। के होया था? फिर आए तेरे दादा तेरी दादी बाजे और बुड्ढा मुच्छा के मुरोड़ी ला कनु बोला अट जाओ रे छोरो, मैं भी नाचूंगा और गाना बेरा कौन सा चलवाया? रे कौन सा चलवाया बिनोण? आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने, तेरे बिन सोनी सोनी है बाहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन बिन असर मेरी आहे, तेरे बिन हाय 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 हाय। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने, आया मेरी जान। रईब तो बंद कर दे, क्यों मेरी जमा बेइज्जती करन लाग रही है? इब्बे केस है, इब्बे तो एक और रह रही है। रवा कौन सी रहेगी? इब वो रहेगी तेरी दादी। वो भी कहले क्यों काची छोड़ दे से? उसके मुंह में तो दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं और ढूंगे मारवा मणमण के अनु बोली मैं भी नाचूंगी और गाना मेरा कौन सा लगवाया? कौन सा लगवाया? एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा, दीदारे को तरसे अखिया, ना दिने गुजरे ना कटे रतिया, एक बार आजा 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 आजा। अरे ये कान पकड़े और नाक रगड़ी, मन भी अपनी कसम है मुंह नहीं खोलूंगा। इबके माफ कर दे, तेरे खानदान के बारे में कदे भी नहीं बोलूंगा। एक बार एक आतंकवादी ने एक बुढ़िया के घर बम रख दिया, लोग चिल्लाए बुढ़िया बम है, बुढ़िया बम है। बुढ़िया शर्मा के बोली दे तेरी। वो तो मैं जवानी में थी। भाई हरियाणा के पुलिस वाले भी बड़े आई हैं। एक बार एक पुलिसिया घर आराम करण लाग रहा, जमा सतागे उसकी लुगाई देखने लाग रही, उनके घर चोर आ गए। उसकी घरवाली बैज के अपने पति दौरे गई और अपने पति ते बोली उठो जी घर में चोरी हो रही है। उसका पति पुलिस वाला बोलिया मुझे सोने दे, इस समय मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। एक बार नरस झंडू ते बोली मुबारक हो आपके घर लड़का पैदा हुआ है। झंडू बोलिया वाह जी वाह, क्या टेक्नोलॉजी है, हम बीबी हॉस्पिटल में है और बच्चा मेरे घर पे पैदा हुआ है। एक बार एक आदमी बोलिया रे झंडू चार लुगाई एक काम को अगर 3 घंटे में करती हैं तो न्यू बता 10 लुगाई उस काम को कितने घंटे में करेगी। झंडू सोच में पड़ गया, पता नहीं झंडू का के दिमाग में आई। और झंडू बोलिया काम के घंटा करेंगी हुए तो बातें करेंगी।
एक बे एक भिखारी झंडू ते बोलिया, साहब 10 रुपए दे दो, कॉफी पीनी है। झंडू बोलिया, पर कॉफी का कप तो 5 रुपए में ही मिलता है। भिखारी बोलिया, साहब साथ में मेरे गर्लफ्रेंड भी है। झंडू बोलिया, भिखारी हो के भी गर्लफ्रेंड बना ली? भिखारी बोलिया, नहीं साहब, गर्लफ्रेंड ने मुझे भिखारी बना दिया। एक बार झंडू 1 साल तक रो रो कर औलाद के लिए दुआ मांगता रहा। एक दिन झंडू के पास एक फरिश्ता आया और बोलिया, झंडू तुम्हें वाहे गुरु दा वास्ता है, पहले शादी तो कर ले। एक बार झंडू अपने दोस्त से बोलिया, मैं बचपन में बहुत ताकतवर था। उसका दोस्त बुझन लग गया, वो कैसे? झंडू बोलिया, माँ कहती है कि जब मैं बचपन में रोता था सारा घर सर पे उठा लेता था, इतना ताकतवर था मैं। एक बार झंडू बार में दारू पीण लग गया और गेल गेल रोन लग गया। वेटर पूछन लग गया, क्यों रो रहे हो आप? झंडू बोलिया, साला जिस लड़की को बुलाने के लिए पी रहा था उसका नाम ही याद नहीं आ रहा।